जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन जारी आप जैसा जान चुके हैं। अभी मैं हूं चतरा में और चतरा में कई पार्टियां अपने अपने नामांकन को दाखिल कर रहे हैं। वहीं झारखंड पार्टी के यहां पे प्रत्याशी पहुंचे हैं, उनसे मिलाते हैं और रूबरू होते हैं। सबसे पहले अपने नाम से शुरुआत। मैं दर्शन गंजू। आज 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 अपने अपना नामांकन कराया, किस मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं चुनाव में? आज नामांकन करने का पीछे उद्देश्य यही है कि चूंकि देश आजादी से लेकर अभी तक जब जब भी चुनाव यहाँ पर चतरा लोकसभा में हुआ है तो धन बल का ही जोर चला है। हम लोग उपेक्षित और वंचित समाज के लोग हैं और चतरा लोकसभा में काफी अभी भी जो साक्षरता का दर है 49% आज भी पूरे देश के आंकड़ा देखा जाए तो साक्षरता दर चतरा का जो स्थिति है इससे आभास होता है कि जब साक्षरता दर ही कम हो तो उस राज्य का या उस लोकसभा का क्या स्थिति है। लोग आए हैं, जीत के चले गए हैं, लेकिन क्षेत्र की दुख सुख पर किसी तरह का कोई मतलब है कि जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार जीते हैं कभी भी फिर उनको जानने का प्रयास नहीं किया है, चतरा की जनता का फिर खोज लेने का काम नहीं किया है। मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि चूंकि हम खुद उपेक्षित और वंचित समाज से हैं और उनकी आबादी काफी चतरा लोकसभा में है और इसलिए मैं उनकी आवाज बनकर संसद में जाकर उनकी जन समस्याओं को मूल समस्याओं को मैं उठाने का काम करूंगा और उनको जन समस्याओं को निदान करने का काम करूंगा। आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, दो बड़ी पार्टियां महागठबंधन और भाजपा है, कैसे उनका आप सामना कर पाए? सामना करेंगे कि चूंकि मेरे पीछे जनता है, भीड़ है और उसके बल पर हम उनकी आवाज जब बन रहे हैं तो उनको गांव गांव तक हम जाएंगे और उनकी समस्याओं को उठाएंगे और उनको उभार कर हम अपनी बातों को रख कर उनके साथ मुकाबला करेंगे। हम समझते हैं कि ऐसा जो भी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि वो केवल चुनाव में नजर आती है और समस्या के निदान के लिए वो गंभीर नहीं रहती है, लेकिन हम लोग झारखंड की माटी के पार्टी है, हम अपना दर्द खुद हम निदान करने के लिए आगे बढ़े हैं तो बेहतर होगा कि हम अपने समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जनता का भलाई। आज तक यहाँ स्थानीय सांसद नहीं मिला, आप स्थानीय हैं ये बता दीजिए। स्थानीय का मापदंड कोई जिला और प्रखंड नहीं होता है, स्थानीय का मापदंड राज्य होता है। अगर कुछ लोग तथाकथित लोग या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात को हवा देता है तो उनसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य का स्थानीयता स्टेट लेवल पर होता है, न कि कोई प्रखंड और जिला पर। तो मैं चाहूंगा कि उन लोग अनजान में या अज्ञानता बस इस तरह का जो हवा दे रहे हैं वो गलतफहमी में है, क्योंकि मैं झारखंड की इस मिट्टी का पुत्र हूँ, भूमि पुत्र हूँ और मैं झारखंड के अंदर कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, बल्कि पार्लियामेंट चुनाव किसी भी देश के कोई भी कोने में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है उनको खुद मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट चुनाव है, किसी भी देश के अंदर कहीं भी चुनाव लड़ने का उसका हकदार है। बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने झारखंड पार्टी से आकर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश किया और इन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ झारखंड में हमारे चतरा जिला में जो शिक्षा दर है बहुत कम है, हमारे आने के बाद सबसे पहले उस मुद्दों पर हमें ध्यान देना है और जातिवाद और ये सब कुछ नहीं है। बाकी और कुछ बोलना चाहते हैं भैया, उनसे मिलाएंगे क्या कहना ये चाहते हैं कि चूंकि यह झारखंड पार्टी का जो मैं उम्मीदवार हूँ, चूंकि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की निर्मित की गई पार्टी है और हम समझते हैं कि झारखंड निर्माण के लिए पहला कदम जयपाल सिंह मुंडा जी ने रखे थे और बिहार विधानसभा में एकीकृत बिहार में 1956 में 36 विधायक बनाकर मुख्य विपक्षी का भूमिका निभाए थे और अपनी आवाज बुलंद किए थे। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी एक विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी आने जा रही है जो आने वाला विधानसभा चुनाव में नजर आएगी और हम स्वाभाविक तौर पर हम यहाँ की जनता की आवाज बनकर हम संसद तक पहुंचेंगे। अगर जनता अगर चाही और मुझे चुना तो मैं उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोड, पानी, बिजली और स्वास्थ्य का जो स्थिति है, हम मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब जिस राज्य का देश का विकास का पैमाना शिक्षा होता है, जब शिक्षा दर ही बहुत ही कम है तो आप समझते हैं
कि चतरा लोकसभा का स्थिति क्या है, इसी से मापा जा सकता है कि चतरा लोकसभा का स्थिति क्या है। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर गंभीर नहीं हुआ है, मैं इस पर काफी गंभीर हूं और आने वाले दिन में चतरा लोकसभा में हार जीत अपनी जगह है, मैं हमेशा चतरा की जनता के सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं जीतता हूं तो चतरा के लिए, यहाँ के माटी के लिए, यहाँ के लिए, लोगों के लिए कार्य करूंगा और यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। तो आने वाला समय बताएगा, 4 तारीख को पिटारा में से चुनाव का वो जो निकलेगा जादुई पर्चा, वो किसकी ओर जाएगा ये देखने का होगा। लेकिन इन्होंने साफ तौर से कहा जीत हार अपनी जगह पे है, मैं चतरावासियों के लिए हर समय खड़ा हूँ। तो कैसा लगा न्यूज़ ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले न्यूज़। धन्यवाद।